हेलो एवरीवन, आई होप हरियाणा एचसीएस मेंस की आपकी प्रिपरेशन पूरे जोरों शोरों से चल रही है। आज मैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पंचकुला में ऑफिस है वहां जाकर आया हूं, एंड इन ऑल लाइकलीहुड आपका एग्ज़ाम 29th और 1st को होगा। तो इंस्टेड ऑफ 29th एंड 30th द एग्ज़ाम विल बी ऑन 29th एंड 1st। तो आई वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट। अब आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कंसॉलिडेट करें, जितना ज़्यादा हो सकता है ऑप्शन के आंसर्स लिखें, जो आपके यूपीएससी में क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी पोर्शन होता है जिसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 अगेन पेपर 2 का जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है कंपलसरी जिसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, एटलीस्ट उन क्वेश्चंस के तो आप आंसर अपने हाथ से लिख के देखिए। अगर आपका ऑप्शन करंट बेस्ड है तो लास्ट 8-9 मंथ्स में जो भी बड़े इश्यूज रहे हैं, से फॉर एग्जांपल अगर आपका PSIR ऑप्शन है तो टॉपिक्स लाइक ऑकर्स, U2I2, इस तरह की जो चीज़ें हैं जो खबरों में रही हैं, साउथ चाइना सी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स, रशिया यूक्रेन डिस्प्यूट, ये वो चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से आनी चाहिए। एंड लाइकवाइज हर एक ऑप्शन के अपने अपने करंट अफेयर्स के जो इशूज़ होते हैं और उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर, हिंदी के ऊपर। मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि रैदर देन हैविंग अ वेरी वोकैबुलरी सेंट्रिक प्रिपरेशन, आप ट्राई करें कि ओवरऑल फील आपके आंसर की ऐसी आए कि हाँ इस विद्यार्थी को, इस स्टूडेंट को हिंदी आती है। बिकॉज पिछले 10-15 साल से इतना टच नहीं रहा होगा तो हो सकता है कुछ वर्ड्स के इसको हिंदी में मतलब नहीं पता। वो एक ऐसी चीज़ है जो रिलेटिवली कंपेरेटिवली पार्डनेबल है कंपेयर टू दिस थिंग, कि आपकी एग्जाम की फील ऐसी है जो मुझे ये इस तरह के इंप्रेशन दे रही है कि स्टूडेंट को हिंदी नहीं आती। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करेंगे हम, थोड़ा मेच्योर पेपर लिख के आएंगे, प्रेजेंटेशन पे फोकस करेंगे, जहाँ पे हो सकता है वहाँ पे डायग्राम्स बनाएं, जहाँ पर हो सकता है वहाँ पर फ्लो चार्ट्स बनाएं, टू द पॉइंट अच्छे राइट इंटरप्रेट करके, अच्छे से इंटरप्रेट करके कॉन्टेक्चुअल आंसर लिख के आएंगे। हिंदी इंग्लिश के लिए हम आपको और प्रैक्टिस मटेरियल दे रहे हैं, नेक्स्ट 10-15 डेज में आप उसको अच्छे से बेटर प्रैक्टिस करें। अभी भी हमारे पास चलो तकरीबन 20 दिन हैं, तो बेटर प्रैक्टिस करें समवेयर अराउंड दैट, उसकी प्रैक्टिस करें और हिंदी की प्रैक्टिस करें, थोड़ा नीट एंड क्लीन पेपर लिखने की कोशिश करें। और हम डाउट सेशंस आपके रेगुलरली कर रहे हैं गूगल मीट के ऊपर, तो हिंदी हो, इंग्लिश हो, GS हो या फिर ऑप्शनल हो, इस पर ज़्यादा अब कंसोलिडेशन की तरफ जाएं हम। और अब 29 अक्टूबर और 1 नवंबर, इन दो डेट्स को ध्यान में रखकर ही आप अपनी प्रिपरेशन करें। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।